जय नौलिंग देवता की जय हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस समय 1008 नौलिंग देवता सनगाड़ में, सनगाड़ नौलिंग देवता के मंदिर में हूं। यह बागेश्वर से कम 70 किलोमीटर पड़ता है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है, बास्ती गांव में इस सनगाड़ मंदिर पड़ता है। श्री 1008 नौलिंग देव का मंदिर है। आज मैं आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगा, वैसे अलग अलग पार्ट में ये वीडियोस आएंगे और ढोल से लेके सारा कुछ, यहाँ का जैसा मेला होता है सारा कुछ बताएंगे और अलग अलग पार्ट में ये वीडियोस आएगी। अभी जो ये वीडियो आएगी, यह इसका जो ये पार्ट होगा, ये मंदिर का प्रांगण दिखाएंगे और मंदिर पूरे अच्छी तरह से दिखाएंगे आपको और आसपास का एरिया दिखाएंगे कि किस तरह का है, सारा कुछ दिखाएंगे। बने रहना आप चैनल में, चैनल सब्सक्राइब करना। जय नौलिंग देवता की जय, जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। अभी मैं मंदिर का गेट दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप एंट्री होंगे। देखो कितना भव्य गेट है, एक गेट आगे भी है और एक गेट यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर बड़ी घंटी लगी हुई है, मैं घंटी बजा देता हूँ। जय नौलिंग देवता की जय हो। तो यहाँ से अंदर एंट्री होंगे और यहाँ का मैं मंदिर प्रांगण दिखा देता हूँ। वह काफी भव्य मंदिर है, ये देखिए नौलिंग देव का मंदिर, और ये यहाँ का गुंबद है, जो जहाँ पर शक्ति है उस वाला शक्ति वाला गुंबद यहाँ पर है। यहाँ से अब मैं आगे चल के दिखाता हूँ पूरा मंदिर पड़ागा। यहाँ पर घंटियां लगी हुई है और पेंट करके एकदम बढ़िया मंदिर सजा रखा है, काफी पुराना मंदिर है। ये मंदिर का प्रांगण इस तरीके से है, आप आइए यहाँ। और यह नवमी के दिन मेला होता है और एक गेट यहाँ पर भी है, अब यहाँ पर भी घंटी बजाते हैं जय नौलिंग देवता की। तो अब मैं नौलिंग देवता के मंदिर के प्रांगण में यहाँ पर आ चुका हूँ और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये देखिए पूरा प्रांगण दिखाऊंगा मैं, ये देखिए, और अंदर चल के भी दिखाऊंगा, मंदिर का अंदर वाला भाग भी दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर अंदर मंदिर है, वो भी सब आपको दिखाएंगे। ये देखिए आस पास का एरिया और नीचे का एरिया ही है। अब मैं सीधे आपको अंदर ले चलता हूँ मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर बकरी वगैरह भी मार सकते हैं, बकरी भी है यहाँ पर, यहाँ पर काफी लोग फोटो शूट कर रहे हैं, काफी महिलाएं, काफी ज्यादा संगत। जय हो नौलिंग देवता की जय हो। तो अब दोस्तों भक्तों लोगों, मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। मंदिर का प्रांगण इस तरीके से अंदर, यहाँ पर काफी शोर शराबा है क्योंकि घंटियां हैं और श्रद्धालु यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में है। ये देखिए यहाँ पर पूजा पाठ भी हो रहे हैं, मैंने भी यहाँ पर पूजा पाठ वगैरह कर दी है। देखो खड़ंग पाठ जिसको बोलते हैं हम लोग, वो पूजा हमने लगभग यहाँ पर कर दी है और आज यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही है करेंगे, क्योंकि जो खड़ंग पाठ होता है ना, ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, तो जगह जगह यहाँ पर पंडित बैठे रहते हैं। आप कहीं पर भी कर सकते हैं, वैसे आप अपने पंडित में कर सकते हैं। मैं जिस समय भीड़ कम थी उस समय मंदिर प्रांगण में गया था, अब भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गई है, तो अब यहाँ पर ऐसे तादा लगा रहेगा। और यहाँ पर कुछ लिखा भी है, देखिए आप पढ़ सकते हैं, मंदिर गर्भ की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो मैं सिर्फ बाहर से ही आपको मंदिर प्रांगण दिखा रहा हूँ। ये देखिए काफी एकदम भव्य बना हुआ है, ये देखिए ऊपर का सिर, देखिए इतनी अच्छी डिजाइन करी गई है, लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर है, ये देखिए। अब मैं बाहर थोड़ा लिए चलता हूँ क्योंकि अंदर ना ज्यादा अलाउड है नहीं फोटोग्राफी, तो अब मैं बाहर ले चलता हूँ, बाहर ले चलता हूँ, आसपास का क्षेत्र आपको यहाँ दिखाता हूँ कि यहाँ आसपास का क्षेत्र किस तरह का था। यहाँ पर अभी कलश यात्रा भी हुई, कलश यात्रा भी हुई। अब थोड़ा बाहर का एरिया मैं यहाँ का दिखा देता हूँ किस तरीके से है। ये देखे यहाँ पर, पहले यहाँ पर ये हुआ नहीं करता था, मगर आजकल ये लोगों ने काफी भव्य एकदम खूबसूरत बना दिया है। यहाँ पर देखो बाबा लोग भी बैठे हुए हैं। आसपास का क्षेत्र आपको मैं जरा दिखाई देता हूँ, ये देखिए यहाँ आजकल काफी बढ़िया बन गया है। थोड़ा नीचे से दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ जो भी भोग वगैरह लगता है वो इस साइड को लगता है, यहाँ आप देख रहे होंगे इस एरिया में यहाँ पर भोग और प्रसादी होता है। और यहाँ मैं जरा दिखा देता हूँ नीचे को, ये मंदिर का जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर मेला वगैरह होता है। ये देखे काशी हल्द्वानी से यही आए हैं, हमारा वीडियो देखते हैं, आज भी सनगाड़ मेले में आए, कैसा लग रहा? फिर बहुत अच्छा लग रहा है, खड़ंग पाठ वगैरह हो गया, पूजा पाठ कर ली,
चलो ठीक है, मिलते हैं फिर। तो हमारे सब्सक्राइबर थे, और जो भनार वालों की जो यहाँ पर वो है, यहीं पर भनार वालों का जो भी ढोल वगैरह जो नृत्य होता है वो यहीं पर होता है। ये देखिए यही एरिया है, यहीं पर होता है, वो भी हम आपको अलग से दिखाएंगे। मैं जरा इधर को दिखा देता हूँ। देखिए जब यहाँ पर कोई भागवत पुराण वगैरह होता है तो यहाँ पर यज्ञ होता है, ये यज्ञ कुंड यहाँ पर बना हुआ है, हवन यज्ञ जो होता है वो यहाँ पर बना हुआ है। अब मैं आपको जो यहाँ पर धुनी है, धुनी बहुत जरूरी है हमारे वहाँ, आपके वहाँ है नहीं है, देखो ये धुनी है, यहीं पर ढोल उगरा बजाते हैं और यहीं पर नृत्य करते हैं। तो अभी यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर आने की संभावना है, हजारों की संख्या में यहाँ पर पब्लिक आती है और आ भी रही है। जैसे जैसे यहाँ पर दिन बढ़ेगा और शाम होगी तो काफी हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग होगी, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ पर है, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर रहता है, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग आते हैं क्योंकि कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मंदिर बड़ा भव्य यहाँ पर सजाया हुआ है दिन में यहाँ पर लगभग, और रात को भी यहाँ पर मेला होता है दिन, सुबह से नवमी के दिन, हर साल नवमी के दिन यहाँ पर मेला होता है, नवरात्रि होती है, उसके बाद यहाँ पर मेला होता है, उसके बाद रात को भी यहाँ पर मेला होता है। जिसको पंजाबी टुकड़ा खड़ंग पाठ उगड़ा कर ले तो आप सुबह नहा धो के आके यहाँ पर पूजा पाठ उगड़ा कर सकते हैं। मंदिर का ये साइड का गेट दिखा देता हूँ, ये देखिए ये साइड का संगाड़ का मंदिर का इस तरीके से है, काफी लोग यहाँ पर है। और एक चीज और देखा, जहाँ पर ये भोग उगरा बनता है वो यहीं पर बनता है, जो मंदिर का जो प्रसाद होता है नहा धो के बनाना पड़ता है, ये देखिए इस कक्ष में वो बनता है, पूरा मिट्टी से लीपा हुआ है, बाहर से सीमेंटेड लेंटर वाला है मगर अंदर से मिट्टी से लीपा हुआ है। तो मंदिर का जो बाहर का प्रांगण है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कलश यात्रा करी थी इन्होंने, छोटे छोटे घड़े लाए थे और यहाँ पर ये देखिए पाठ वगैरह पढ़ रहे हैं। और मंदिर का जो बाहर वाला क्षेत्र है, काफी लोगों ने इसमें सहयोग किया है, काफी लोगों ने यहाँ पर इसमें योगदान किया हुआ है, तो आपको मैं जरा दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें नाम लिखे हुए हैं मगर आपको अभी दिख नहीं रहे होंगे, ये देखिए। और ये साइड का एरिया है, वहां से एंट्री है, तो ये गेट से ये व्यवस्था है। और साइड में आप देखिए इस तरीके की दीवारें हैं, क्योंकि पहाड़ों में इस तरीके की होता है। ये देखो यहाँ पर विशाल भंडारा भी है, हमर पहाड़ जो केदार महर जी का है उन्होंने भंडारा आयोजन किया हुआ है। और घंटिया देखिए कितना खूबसूरत एकदम भव्य लग रहा है, ये देखिए। तो ये एरिया है यहाँ का, अभी ढोल आते रहेंगे जैसे जैसे यहाँ पर कम से कम 20-25 उससे ज्यादा यहाँ पर ढोल आएंगे, तो आपको वो भी दिखाएंगे अलग अलग पहाड़ के हिसाब से आपको यहाँ पर दिखाएंगे। तो वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, जय नोलिंग देवा की जरूर लिखिए आप। और ये देखे संगाड़ में है, और ये देखिए केदार महर जी आप देख रहे होंगे, ये भी यूट्यूबर है, इनके माध्यम से भी आप वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। और भैरवनाथ जी का मंदिर है, ये देखिए भैरवनाथ पहले नहीं था, आज के लिए लगभग बनाया गया है, ये देखिए इस तरीके से है। तो यही था आज मैंने लगभग दिखाया, फिर भी मैं आपको बहुत सारे चीजें यहाँ से दिखाऊंगा। लोग काफी पूजा पाठ करते हैं, जिसका व्रत होता है वो जल्दी यहाँ पर आ जाते हैं और जल्दी से जल्दी पूजा करते हैं, क्योंकि भूखा रहना पड़ता है और पूजा पाठ करनी पड़ती है। नौलिंग देव के मंदिर से कितनी भीड़ यहाँ पर भक्तों की है, ये देखिए नहीं आएगा। आप अगर जल्दी जल्दी आ जाएंगे तो आपका नंबर आ जाएगा, मगर आपने अगर लेट कर दिए आपका यहाँ पर नंबर कम आएगा। अभी हम हमारे यहाँ पर कपकोट के पूर्व विधायक हमारे बलवंत सिंह भोराल जी हैं, उनसे जरा मेले के बारे में जानते हैं और वो किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था है बातें करते हैं उनसे। सर नमस्कार। सर बहुत बहुत बधाई नवमी की।
किस तरीके से सर आज नवमी का मेला मनाया जा रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर, आप किस नजर से देखते हैं भक्तगणों की सुविधा के लिए? आज नौलिंग मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अष्टमी और नवमी एक ही दिन आज मनाई जा रही है। और यह जो हमारा मेला है बहुत ही ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, व्यापारिक मेला, वर्षों से हमारे बुजुर्गों द्वारा इसको संपन्न किया गया है। और आज भी हमारे संगाल ग्राम पंचायत, बास्ती ग्राम पंचायत के लोग और पूरे उत्तराखंड के लोग यहाँ पर इस मेले के आनंद के लिए आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना को भी वो मांगते हैं। और भगवान भी जिसकी मनोकामना जो भी होती है उसको पूर्ण करते हैं। और ये संगाल मंदिर एक आस्था का केंद्र है और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं सभी भक्तों को वो आशीर्वाद दे और सभी की मनोकामना पूर्ण करें। धन्यवाद सर। तो ये हमारे कपकोट विधानसभा क्षेत्र के पूरे विधायक बर्बन भोरियाल जी थे, उन्होंने क्या कहा आपने सुना होगा। तो मंदिर प्रांगण में जैसे जैसे यहाँ पर भीड़ उमड़ेगी और वैसे वैसे यहाँ पर भक्तों का तांता यहाँ पर लगा रहेगा। यहाँ पर बलि भी दी जाती है, देखिए ये जो बकरा है ये भी यहाँ पर लाया जाता है, बहुत सारे यहाँ पर की मंदिर है, इस तरीके से। आज मैंने आपको संगाल नौलिंग देवता जी का मंदिर का प्रांगण दिखाया, मंदिर दिखाया, अंदर शक्ति को दिखाना बिल्कुल अलाउड नहीं था। मैंने पूजा पाठ वगैरह कर दिया, टीका चंदन वगैरह लगा दिया है और सारा कुछ आसपास का एरिया देखा किस तरीके से था। अब यहाँ पर भीड़ बढ़ते जाएगी, अलग अलग के यहाँ पर नृत्य होंगे, ढोल वादक ढोल भी बजाएंगे, दमाऊ भी बजाएंगे, सारा कुछ अलग अलग तरीके से आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना, आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेगी। मंदिर का प्रांगण मैंने आज दिखाया, मंदिर भी दिखाया, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो अलग अलग पार्ट में बनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। आज मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ और एड्रेस मैंने बताई दिया। बाकी आप अगर इस मंदिर में आना चाहते हैं कभी भी आप आ सकते हैं, यहाँ पर बागेश्वर से आना है। बाकी आप इंस्टाग्राम में मेरे को डीएम करिए और मैं आपको सारा कुछ डिटेल बता दूंगा कि आपको कहाँ से आना है। यहाँ पर वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, जय नौलिंग देवता की जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, तब तक के लिए बाय बाय।